देखिए एक चीज़ है कि हमने काफ़ी लोग से बात की तो स्पष्ट रूप से ये जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन द्वारा अभी पार्क खोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई। अब ये तो तानाशाही और अफसर शाही की और लाल फीता शाही की हद हो गई। हर तरीके के जो है लाइन पार कर चुके हैं। जुबली पार्क को हमारी मांग है कि इसको जो है पूरे सातों दिन खोल कर रखना चाहिए, सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक। ये जमशेदपुर का शान है। जहाँ तक रोड ट्रैफिक की बात है, हमने डीसी साहब से कल बात की, आप जनता की सर्वे करा करके जो अगर जनता की जमशेदपुर की जनता चाहती है कि ये रोड भी खुल जाए तो रोड खुलवाया जाएगा। लेकिन जनता की दिल की बात चलेगी ना, ये जो है अफसर के मन की बात तो नहीं चलेगी। और कंपनी से जो कंपनी का क्या मतलब है कि जिला सरकार है, सरकार कंपनी को आदेश दे। हमने कहा कि ये कौन करे नहीं करे उसे हम जाने के लिए हम हमारे पास ना टाइम है ना करेंगे। लेकिन डीसी साहब को हमने कहा कि जनता की सब्र टूट रही है, शहर के लोग नाराज हैं, कोटका से लेकर के बागबरा से लेकर के घाटशिला तक लोग आते थे। तो इसलिए मैं डीसी साहब को मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसको जल्द से जल्द पूरी तरह से सातों दिन खोला जाए, संडे को खास तौर से। और यदि इसमें किसी तरह का विलंब हुआ तो फिर हम उसको जो एक बड़े व्यापक आंदोलन के रूप में लेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को बोला, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो इस बात से अवगत हैं। मुझे लगता है कि हम लोग सफल होंगे, अगर सफल नहीं होंगे फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं ना तो आप वोट सही कारण दीजिए। ये जो है सांप्रदायिक एजेंडा के चलते इसलिए जो है ना तो पार्क खुलेगा, ना रोजगार होगा, ना अस्पताल बनेंगे, देश तो डूब ही रहा है क्योंकि आपके नेता लोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ना आगे बढ़ रहे ना दबाव डाल रहे क्योंकि आपने तो किसी और मुद्दा पर वोट दिया है। तो चारों तरफ जो है हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो पूरे देश में नारा अंकल आंटी जो पूरे चला रहे हैं, ये कम से कम होश में आओ यार। अब तो बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, आपने जो है आपके जो है जनप्रतिनिधि कहाँ है? चलिए फिर आप ये झेलते रहिए। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध है, क्योंकि एक पॉलिटिकल बात भी है कि जुबली पार्क एक उदाहरण है कि हमारी राजनीति कितनी खराब हो गई है कि कोई जनप्रतिनिधि आपके लड़ाई मुद्दे के लिए लड़ने के लिए नहीं चाह रहा, क्योंकि आप लोग जो है पागल हो गए हैं वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा में।